Hi guys, welcome back to my channel. My name is Amit and you're watching The Versatile Vlogger. Thank you so much for liking the previous video. आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा. I'm very happy to know that. And I see that we are close to 1000 subscribers now. So thank you so much for that. The family is growing bigger and bigger. So today's video will be about how you can buy running shoes, how to choose running shoes basically. So I saw in my comments in one of my running videos that बहुत सारे लोगों को ये जानना होता है कि रनिंग शू कैसे चूज करें एंड किस टाइप का रनिंग शू किस पाँव के लिए सूट करता है एंड ऑल दैट. सो देर आर अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज इन दैट. सो मैं आपके लिए ईजी करके आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपना रनिंग शू चूज कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. So the first thing, never ever go by the look of the shoe. आप ये देख के शूज मत चूज करो कि वो शूज दिखने में कैसा है. हाँ, आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ा अट्रैक्टिव है, कलरफुल है, तो ब्राइट कलर्स जो बहुत खींचते हैं आपको अपनी तरफ, बट आपको उस जाल में नहीं फंसना है. यू हैव टू चेक योर फुट फर्स्ट. अपने लोकल रनिंग स्टोर में आपको जाना है. यू हैव टू गेट योर गेट एनालिसिस डन. आपका फुट जिस तरह से ज़मीन पर लैंड करता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाई योर रनिंग. इसको कहते हैं प्रोनेशन. सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोनेशन. वन इज ओवर प्रोनेशन, सेकेंड इज सुपिनेशन एंड थर्ड इज अ न्यूट्रल फुट. और ये जो तीनों टाइप है, ओवर प्रोनेशन, सुपिनेशन एंड द न्यूट्रल फुट, सबके लिए अलग अलग टाइप के शूज आते हैं. सो आप कभी लुक पे देख के मजा. जैसे आपने मुझे कोई शू पहने देखा एंड यू से दैट मुझे भी वही शू चाहिए एंड यू गेट क्यूरियस अबाउट इट एंड यू गेट एक्साइटेड, बट आपको वो नहीं करना है. सो मैं आपको समझाता हूँ प्रोनेशन क्या होता है. So suppose this is the sole of the shoe, okay? So अगर आपका shoe center से this ये यहाँ से front foot और the mid foot, because landing तीन types की होती है. कुछ लोग यहाँ पे land करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे land करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे land करते हैं. So mostly लोग इस area में land करते हैं, इसलिए या इसमें. So ये वाला area. अगर ये evenly wear off हुआ है, then you are a neutral foot. सो अगर आप यहाँ पे लैंड करते हैं तो आपके लिए बाजार में बहुत सारी वैरायटी है. सो या और ये मत सोचिएगा कि अगर आपका फुट यहाँ लही लैंड करता है तो आपके पाँव में कुछ खराबी नहीं. इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. सबके पाँव अलग अलग होते हैं तो पोजीशन भी चेंज हो सकती है. सो दिस इज न्यूट्रल फुट. देन कम्स सुपिनेशन. सो अगर आप अपने शूज में देखें, आपने काफ़ी टाइम तक कोई शूज पहना हो अगर, तो यहाँ पे अगर ये वाला एरिया आपका वेयर आउट हो रहा है, सो दिस मीन्स दैट When you are landing, so आपका पाँव ऐसे बाहर की तरफ, ये ऐसे बाहर की तरफ होता है, तो ये वाला एरिया जो है वो ज़्यादा वेयर आउट होता है. सो देन दिस इज कॉल्ड सुपिनेशन. सो आपका फीट सुपिनेटेड है. सो न्यूट्रल रनिंग शूज जो लोग पहनते हैं उनको भी सुपिनेटेड शू सूट कर जाएगा. देन कम्स ओवर प्रोनेशन. अगर आपका इन साइड ऑफ द फुट, जैसे ये शू है अंदर की तरफ, इन साइड ऑफ द शू, दिस If this side is getting wear out, तो आपका शू आपका शू फुट ऐसे अंदर की तरफ घूमता. Then this part of the shoe gets wear out. So this is called ओवर प्रोनेशन. तो इसके लिए अलग टाइप के शूज आते हैं. देन अगर आप ऑनलाइन भी चेक करेंगे, स्पेशली ऑन Myntra.com, then you'll see that उसमें आपको ओवर प्रोनेशन, नॉर्मल न्यूट्रल रनिंग शू, आपको दोनों के ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पर. आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं फॉर द टाइप ऑफ द प्रोनेशन दैट यू हैव. अनदर मेथड टू चेक योर प्रोनेशन इज दैट यू कैन डिप योर फीट इन वाटर. एक कार्डबोर्ड आप लो अपने साथ और पाँव को हल्का सा गीला रखो एंड देन पुट द फीट ऑन दैट. दिस इमेज राइट हियर, यू कैन चेक द टाइप ऑफ प्रोनेशन दैट यू हैव एंड यू कैन ऑल्सो चेक विच शू विल सूट यू. ओके, सेकेंड थिंग टू सी वाइल बाइंग अ शू इज द कुशनिंग. दिस कुशन ऑफ द शू, यू सी हियर. हर शू में अलग अलग, जैसे एसिक्स का शू है तो उसमें जेल वाला कुशन, जेल होगा, कुशन होगा. नाइकी में अपना अलग टाइप का एयर जूम फॉर्म होता है. सो अलग अलग शू में अलग अलग टाइप का कुशनिंग आपको मिलेगा. एंड दिस इज द स्टैक हाइट. दिस इज 26 मिलीमीटर्स हियर, दिस इज 16 मिलीमीटर्स हियर. सो देयर इज अ
गैप ऑफ 10 मिलीमीटर्स फ्रॉम हेयर टू हेयर। सो कुशनिंग, कुशनिंग बहुत ज़रूरी है अपने शू में, क्योंकि आप जब सीमेंट पे भागते हैं या फिर टारमैक रोड पे भागते हैं, तो बिकॉज रनिंग इज़ अ वेरी हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट, वेन यू लैंड योर फीट ऑन द स्पॉट, जब आप अपना पाँव जमीन पे रखते हैं भागते समय, तो आपके नीज पे ऑलमोस्ट 2 to 3 times ऑफ योर बॉडी वेट, इतना प्रेशर उस पर आता है। सो नीज के लिए, नीज के अच्छे फंक्शनिंग के लिए आपको अच्छा कुशनिंग वाला शू होना चाहिए आपके पास। अनदर थिंग इज द वेट ऑफ द शू, बिकॉज कुशन अगर ज़्यादा है किसी शू में तो वेट भी बढ़ सकता है शू का। जैसे ये नाइकी का शू है तो इसमें कुशनिंग थोड़ी कम है, तो इट्स वेरी लाइट वेट। A6 का ये शू है, इसमें कुशनिंग थोड़ी ज़्यादा है, तो इट्स अ बिट हैवी वेट। ट्रेनिंग के लिए आपका हैवी शू भी चल जाएगा, बिकॉज इसमें अच्छी कुशनिंग है और आप ज़्यादा वॉल्यूम आप ट्रेनिंग में भागते हो अपना। रेस डे के लिए मैं लाइट शू इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ, बिकॉज आपको अपना गोल भी अचीव करना है एंड यू हैव टू बी लाइट ऑन योर फीट ऑल्सो, सो यू कैन गो फॉर अ लाइट वेट शू ऑन द रेसिंग डे। नाउ कमिंग टू द थर्ड एस्पेक्ट, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द शू। हम लोग को ये भी कंसर्न होता है कि यार कितना टाइम चल जाएगा ये शू, बिकॉज शूज़ काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरी वन टू बाय अ शू एवरी नाउ एंड देन। सो आपको ये भी देखना है कि लाइफ शूज़ की कितनी है। सपोज नाइकी का शू है ये वाला, सो इसमें यू कैन रन अराउंड 400 to around 500 miles, मतलब ये आप 800 किलोमीटर तक ये शू अच्छा चल जाएगा। इसके बाद भी ये शू चलेगा, बट एक टाइम के बाद क्या होगा कि ये शू का जो कुशन है वो बिल्कुल दब जाएगा, बिल्कुल पिचक जाएगा वो, तो आपके नीज पे ज़्यादा असर पड़ेगा। आप टाइम में काउंट नहीं कर सकते उसको कि ये 2 साल चलेगा 3 साल चलेगा, लेकिन 700 to 800 किलोमीटर तक आपका शू चल सकता है। दिस इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द शू। नाउ कमिंग टू द फोर्थ एस्पेक्ट, कि आपको कैसा शू चाहिए, आपको रोड शू चाहिए या ट्रेल शू चाहिए। सो देर आर 2 types ऑफ शूज इन दैट एरिया ऑल्सो। दिस वन इज रोड शू एंड दिस हियर इज ट्रेल शू। सो ट्रेल शू में आप देखोगे कि जो द ट्रेड पैटर्न, अभी देखोगे जो इसमें लग्स बने हैं, दीज लग्स आर बिट डीप, सो इसके लिए बेटर फॉर बेटर ट्रैक्शन ये लग्स इसमें दिए होते हैं एंड दीज आर अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 millimeters बड़े। ये जो इसके लग्स हैं, जो इसमें गुटके हैं बेसिकली, वो 6 to 8 millimeter के हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रोड शू एंड ट्रेल शू। रोड शू में लग्स कम होते हैं, इसमें थोड़े ज़्यादा होते हैं। एंड इसमें एक और चेंज होता है, जैसे ये जो इसका मटेरियल है, यहाँ पर जो इसका 4 foot है, द टो पार्ट, ये कवर्ड नहीं है, इसमें कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन द ट्रेल शू, बिकॉज अगर आप ट्रेल पे भागोगे तो पत्थर वत्थर लग सकता है आपके, वहाँ पे चट्टाने होती हैं, रूट्स होती हैं जंगल में, सो ये इसके लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन यहाँ पे दी होती है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन चूज अ रनिंग शू फॉर यू एंड लेट्स गो बैक एंड जस्ट रिवाइज ऑल द पॉइंट्स दैट आई सेड फर्स्ट। सबसे पहले आपको देखना है प्रोनेशन, आपका फुट किस तरह से लैंड करता है, उसके हिसाब से आपको अपने लिए शू खरीदना है। देयर आर 3 types ऑफ प्रोनेशन, ओवर प्रोनेशन, सुपिनेशन एंड न्यूट्रल फुट। सो 3 तरह से हमारा फुट लैंड करता है। सेकेंड थिंग इज द वेट ऑफ द शू एंड द कुशनिंग। कुशनिंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमें अपनी नीज डैमेज नहीं करनी है, सो वी नीड टू चेक द वेट ऑल्सो ऑफ द शू। और अगर ज़्यादा किलोमीटर्स आप उसमें भाग चुके हैं, आपको लगता है कि आप 800 से 900 किलोमीटर आप क्रॉस कर रहे हैं एक शू में, देन यू शुड चेंज द शू। एंड द लास्ट थिंग इज दैट यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन अ रोड शू एंड अ ट्रेल शू। आप ट्रैकिंग वाले शूज़ में रोड पे नहीं भाग सकते, सो आपको वो भी ध्यान रखना होगा। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीक्स वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट। एंड ये मैंने काफ़ी पॉपुलर डिमांड पर मैंने ये बनाया था, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ कॉमेंट्स, लॉट ऑफ पीपल आस्किंग दैट मेक अ वीडियो अबाउट हाउ टू चूज अ रनिंग शू। सो दिस इज इट and I hope you like this video, and if you like it then please give it a thumbs up, also subscribe to my channel and press the bell icon, I'll be very happy, it's free and we are about to reach 1000 subscribers, so thank you for that also. And Instagram pe bhi mujhe follow kar sakte hain, you can ask me directly through DMs and let me know what are your queries, agar maine kuch
पॉइंट इसमें छोड़ दिया तो प्लीज़ आप कमेंट्स में डालिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम द वर्सेटाइल ब्लॉगर। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड या कीप रनिंग। बाय बाय।